योगी एसएम, हमारे साथी और यूनियन के अध्यक्ष कर्नल फिरोज अहमद पर जो परसों जानलेवा हमला किया। उदयपुर में सवीना थाना क्षेत्र के सीए सर्कल पर हुई गोलीबाजी के मामले में ऑटो यूनियन उतरी सड़कों पर, सभी ने मोहम्मद फिरोज का साथ देते हुए उदयपुर एसपी को ज्ञापन सौंपा और धरना दिया। भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र के मातहत इस कार्यक्रम को किया गया और उदयपुर एसपी और कलेक्टर को सौंपा गया, जिसमें ये मांग की गई कि पुलिस जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करे और पीड़ित को न्याय दिलाए। आपको बता दें, सीए सर्कल पर बीते दिनों तेजाज सराड़ी और उसकी गैंग ने फिरोज के ऊपर गोलियां चलाई थी। मेरा नाम महेंद्र सिंह है, मैं सेक्टर 14 में होटल चलाता हूँ और ये गुंडागिर्दी आए दिन होती है। और हमारे फिरोज उस्ताद खाली यूनियन अध्यक्ष ही नहीं है, हमारे थैले वालों के ही साथी है। कोई भी गरीब है उनके लिए वो खड़े होते हैं और हर बार उनके यही मौका आता है और अब के पहली बार ऐसा हुआ जो ये गोली भी खा ली उन्होंने। ठीक है, अब हम कहाँ जाएंगे, हमारा कौन बचाएगा, कौन रख सके हमारा। आज उनके पीछे हम थैला चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या है फिर, उसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं। और आए दिन का ये लफड़ा है। मैंने पहले सवीना थाना में भी रिपोर्ट करी, मेरा गल्ला भी लूट ले गया। उस टाइम भी उस्ताद ने झगड़ा झुगड़ी करा लेकिन कोई सारांश नहीं मिला हमारे को। ठीक है, परसों शाम को 5 बजे सीए सर्किल जो है सेक्टर 14 में, वहाँ पर ऑटो स्टैंड पर हमारे लाल झंडा ऑटो चालक यूनियन के जो अध्यक्ष है फिरोज अहमद, किसी ऑटो चालक के साथ कोई अपराधी तत्व आए, उन्होंने गाली गलौज की तो उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की। उस दरमियान उनके ऊपर उन अपराधियों ने गोली चला दी और जानलेवा हमला किया, जिससे उनके गोली जांघों में लगी। शुक्र है वो बच गए, लेकिन गंभीर रूप से घायल होकर अभी भी उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हम लोग आज जिला कलेक्ट्रेट पर इस बात को लेकर यहाँ इकट्ठे हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देने के लिए कि ये जो अपराधी है उस शहर में बहुत बढ़ गए हैं और जो मेहनत करके कमा के अपना जीवन चलाना चाहता है, अपने परिवार का जीवन चलाना चाहता है, उस पर जानलेवा हमला किए जा रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पुलिस की मिलीभगत के बिना इस तरह की घटनाएं उदयपुर में नहीं हो सकती। ये नारा जरूर लिखा हुआ है जगह जगह पे, अपराधियों में डर, आम जन में विश्वास, लेकिन वास्तव में हम लोग देखते हैं तो अपराधियों में तो विश्वास है और आम जन में पुलिस से डर है। इसलिए ये कहने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, अगर 3 दिन में 5 दिन में जो पुलिस समय देती है उस पर गिरफ्तार करके उनको जेलों में नहीं भेजते हैं तो इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और उदयपुर में शांति और कानून व्यवस्था कायम करने के लिए हम अपनी भूमिका को निभाएंगे। पुलिस, हम यहाँ आए हैं प्रदर्शन करने। कमलेश पालीवाल नाम है मेरा, ऑटो चलाता हूँ मैं भी। आज हमारी इतनी खतरनाक खराब कंडीशन हो गई है कि रोड पे चलना मुश्किल हो गया। असामाजिक तत्व अगर 150 रुपये कमाते हैं कहीं पे भी, तो बीच में कहीं पे भी ऑटो रुकवाए भाई कोई भी छीन लेता है। ऑटो वाले उनसे लड़ाई झगड़े नहीं कर सकते, वो अपना घर पालते हैं या उनसे लड़ाई करेंगे। लेकिन हमारे बीच में हमारे एक भाई था जिन्होंने कहा कि निडर रहो, ये रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो हमने उनको लीडर बनाया, उन्होंने हर ऑटो वाले का साथ दिया हर जगह। कोई भी ऑटो वाले के कोई भी तकलीफ थी, आधी रात में कहीं पे भी फोन करते वो आके खड़े हो जाते हमारे समाधान के लिए। लेकिन आज देखो, आज उनको गोली मार दी तो आज अब उन्हीं को ही गोली मार दिए तो हम लोग और क्या कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे प्रशासन से अपील करने आए कि उनको गिरफ्तार करो और हमारे को ये कमा के खाने का चांस दो। अगर प्रशासन से अपील कर रहे हैं हम, इसमें कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो ऑटो वाले सारे कह रहे हैं कि कल या पुलिस जो भी टाइम देती है उसके बाद सारा शहर जाम कर देंगे, क्योंकि वैसे भी हमें घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, कमा के खाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और एक आदमी जो हमारा साथ देने को तैयार है तो उसको गोलियां मार रहे, उनको मार रहे। 10-15 दिन पहले भी आके उनसे लड़ाई झगड़े किए थे, फिर भी वो पीछे नहीं हटे और हमारे को भी जोश दिला रहे कि नहीं भाई तुम नहीं लड़ सकते हो, नहीं कर सकते हो, 2-5 जने इकट्ठे हो, मेरे को फोन करो। तो आज मौका पाके उनको भी गोलियां मार दी। तो ऑटो वालों सबको की एक ही कहना है कि पुलिस प्रशासन से कि तुरंत उनको गिरफ्तार करो, सजा दो, नहीं तो वैसे भी हमारा घर चलाना मुश्किल है, तो हम रोड पे आ जाएंगे और कुछ भी करने को मजबूर हो जाएंगे।